ओके जी, तो लिंक एग्रीगेशन के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं इसको समझ लेते हैं और फिर जो है उसमें हम देखेंगे कि क्या इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है। लिंक एग्रीगेशन जनरली हम करते क्या है अपने डेटा सेंटर के अंदर या अपने नेटवर्क एनवायरनमेंट के अंदर के जो हमारी एंड डिवाइसेस होती हैं जहां पर हमारे यूजर्स कनेक्ट होते हैं, तो स्विच की पोर्ट्स के बारे में हमने पढ़ा था कि वहां पर जी 100 Mbps का भी कनेक्शन मौजूद होता है जिसको मैंने फास्ट ईथरनेट कहा था। फिर गीगा ईथरनेट के कनेक्शंस मौजूद होते हैं, पोर्ट्स अवेलेबल होती हैं और 10 गीगा के और 100 ऑन। फिर हम आगे मूव करते हैं तो SFPs हम लगाते हैं और फाइबर ऑप्टिक के कनेक्शंस भी हम कर सकते हैं। अब इसमें एक सिंपल सा सिनेरियो ये होता है कि जो भी हमारे पास फास्ट ईथरनेट के इंटरफेसेस हैं यानी 100 Mbps वाले जो सेशंस हैं पोर्ट्स हैं सॉरी उस पे हम कनेक्ट कर देते हैं अपने लैपटॉप्स को, डेस्कटॉप मशीन्स को या एंड यूजर को, ठीक है, जहां पर एक नॉर्मल ट्रैफिक जनरेट हो रहा होता है, एक नॉर्मल ट्रैफिक चल रहा होता है। फिर दूसरे नंबर पर हमारे पास आ जाते हैं सर्वर्स, ठीक है जी, जो हमारे डेटा सेंटर के अंदर लगे होते हैं। तो सर्वर्स के लिए हमारी कोशिश ये होती है कि अब जिन सर्वर्स पर ट्रैफिक कम होता है उनको हम कनेक्ट कर देते हैं 1 गीगा वाली पोर्ट के साथ ताकि वहां पर ट्रैफिक का फ्लो ज्यादा नहीं है। सो 1 गीगा के साथ मोर देन इनफ है। और कुछ सर्वर्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिन पर हमारे पास ट्रैफिक का फ्लो ज्यादा होता है, नंबर ऑफ यूजर्स उनको ज्यादा एक्सेस करते हैं, तो वहां पर हमारे पास परफॉर्मेंस का इशू आ सकता है। सो लिहाजा परफॉर्मेंस के इशू से बचने के लिए हम यूज कर लेते हैं 10 गीगा की पोर्ट्स। अब इनमें कौन से सर्वर्स आ जाते हैं यानी इंडस्ट्री में अभी हमने विजिट्स के दौरान देखा था कि बहुत सारी कॉरपोरेट की एप्लीकेशंस चल रही होती है। अब अगर आपके सैप के सर्वर्स चल रहे हैं, डेटाबेसिस के सर्वर्स चल रहे हैं, एक्सचेंज सर्वर आपका चल रहा है, ईमेलिंग्स चल रही हैं आपकी, वेब होस्टिंग के सर्वर्स चल रहे हैं, तो ये वो सर्वर्स होते हैं जिन पर नॉर्मल सर्वर्स के मुकाबले में ट्रैफिक का फ्लो ज्यादा होता है। या आपने अपने पास एक सर्वर कॉन्फिगर किया हुआ है जहां पर तमाम ऑफिस के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनका डेटा रखा हुआ है और सारे डिपार्टमेंट के यूजर्स वहीं से शेयर डेटा को क्या करते हैं, अपने पास एक्सेस करते हैं अपने ऑफिशियल काम को पूरा करने के लिए। तो अब ऐसे सिनेरियो के अंदर जो फास्ट ईथरनेट होता है या 1 गीगा होता है उसमें थोड़ा सा परफॉर्मेंस का इशू आ जाता है। तो हम कहते हैं 10 गीगा का जो ईथरनेट पोर्ट है वो हम इन सर्वर्स के लिए यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर फिर भी हमारी जरूरत पूरी नहीं होती, हम नेटवर्क को मॉनिटर कर रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं कि कहाँ पर लेटेंसी आ रही है, कहाँ पर डेटा की सेंडिंग और रिसीविंग ज्यादा है, तो अगर यूजर्स की तरफ से हमें कंप्लेन आना शुरू हो जाती है कि हमें सर्वर को एक्सेस करते हैं लेकिन लेटेंसी टाइम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है, डेटा कॉपी पेस्ट होने में टाइम लेता है, डेटा के एक्सेस के अंदर इशू आ जाता है, तो फिर उसके लिए सिस्को एक कॉन्सेप्ट देता है, ओपन स्टैंडर्ड वाले कॉन्सेप्ट देते हैं विच इज कॉल्ड लिंक एग्रीगेशन कॉन्सेप्ट। लिंक एग्रीगेशन के अंदर हम क्या कर देते हैं कि हम 2 पोर्ट्स को 4 पोर्ट्स को 6 पोर्ट्स को क्या करवा देते हैं, एक साथ ज्वाइंट करवा देते हैं, ठीक है ना। यानी 2 पोर्ट्स हैं, हमने उनको आपस में मिला दिया। अब 1 गीगा वाली एक पोर्ट थी, अगर हमने 2 गीगा की 1 गीगा की 2 पोर्ट्स मिला दिए तो वो पोर्ट लॉजिकली तौर पर क्या बन जाएगी, 2 गीगा की बन जाएगी, तो परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। अगर 10 गीगा की पोर्ट है और 2 पोर्ट्स हमने 10 गीगा की आपस में ज्वाइंट करवा दी हैं और हमने ये अज्यूम कर लिया कि अभी हमारे पास क्या है, एक पोर्ट बन गई है, ये हम कर सकते हैं। अब इसमें इस लेवल पर आकर कम से कम समझाने की जरूरत नहीं है कि हम लॉजिकली तौर पर 2 पोर्ट्स को भी कंबाइन कर सकते हैं, 4 पोर्ट्स को भी कंबाइन कर सकते हैं, 6 पोर्ट्स को भी कंबाइन कर सकते हैं। अब अगर हमने 10 गीगा वाली 2 पोर्ट्स को आपस में क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, वो लॉजिकली तौर पर एक पोर्ट बन गई है, ठीक है ना। तो अब वो 20 गीगा की पोर्ट बन गई है। तो समझ रहे हैं कि एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट के अंदर अगर परफॉर्मेंस का कोई इशू आ रहा है तो जो स्पेयर पोर्ट्स हमारे पास रखी हुई होती हैं, जो इजाफी पोर्ट्स हमारे पास किसी स्विच पर अवेलेबल होती हैं, तो उनको हम आपस में लॉजिकली तौर पर ज्वाइंट करवा देते हैं, उनको एक टीम का मेंबर बना देते हैं, ठीक है। तो वहां पर फिर जो डेटा का एक्सेस होता है वो फास्ट हो जाता है, सर्वर फौरन से रिक्वेस्ट को क्या कर देता है, हैंडल करता है और उस पर रिस्पॉन्ड करता है। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारे पास लिंक एग्रीगेशन का। आगे चलते और अगली स्लाइड पर अब आपको जो है एक इमेज नजर आ रहा होगा और इमेज के अंदर आपने देखा कि ऊपर हमारे पास जो है ना 2 स्विचेस लगे हुए हैं, लेयर 3 के स्विचेस हैं, आइकॉनिक
जो सिंबल है उससे आपको समझ में आ गया होगा कि अगर एक सर्किल बना हुआ है और उससे मुख्तलिफ एरोज निकली हुई हैं, तो ये सिंबल जो है वो लेयर 3 स्विच का होता है, और नीचे अगर सिंपल एरोज के साथ है तो वो लेयर 2 का स्विच है। तो अब लेयर 3 के स्विच को अगर आप देखेंगे, तो हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था स्विचिंग एनवायरमेंट के अंदर कि एक डिस्ट्रीब्यूशन लेयर होती है, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पर डिपार्टमेंटल कनेक्टिविटी होती है। तो डिपार्टमेंटल कनेक्टिविटी के अंदर भी हम पोर्ट्स को क्या करवा सकते हैं, एग्रीगेट करवा सकते हैं। तो हमने पोर्ट्स को एग्रीगेट करवाया। अब जब हमने पोर्ट्स को एग्रीगेट करवाया तो फौरन से, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी उसी तरफ आ रहा हूं जी। तो वो स्टूडेंट ने क्वेश्चन भी कर लिया, ठीक है जी। तो अब हमने पोर्ट्स को, जब दो पोर्ट्स हमने ज्वाइन की, ठीक है, दो पोर्ट्स हमने ज्वाइन की, तो ज्वाइन करने में होगा क्या कि एसटीपी इनेबल हो जाएगा, वो एक पोर्ट को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। अब हमने एसटीपी को बताना है कि हेलो मिस्टर एसटीपी, यू आर डूइंग योर जॉब बेस्ट गुड, ठीक है ना। बट द थिंग इज दैट, प्रॉब्लम क्या है कि भाई ये जो दो पोर्ट्स मैं यूज कर रहा हूं ये एग्रीगेटेड है, इन पर हमने एक प्रोटोकॉल चला देना है। वो प्रोटोकॉल एसटीपी से बात करेगा कि भाईजान आपने इनको बंद नहीं करना है, ये हमने परफॉर्मेंस एनहांसमेंट के लिए क्या कर दी है, इनेबल कर दी है। तो लिहाजा जब कभी भी हम दो पोर्ट्स को लॉजिकली तौर पर ज्वाइन करेंगे, तो ज्वाइन करने के लिए एक फंक्शन है ये, एक काम है ये, और इस काम को फुलफिल करने के लिए, इस काम को सरंजाम देने के लिए हम डेफिनेटली कोई प्रोटोकॉल लेकर आएंगे। अभी अगली स्लाइड में वो प्रोटोकॉल नजर आ जाएगा। तो खैर, जब हम उस प्रोटोकॉल को इंप्लीमेंट कर देंगे, तो ये जो आपको नजर आ रहा है ना कि एसटीपी ने एक पोर्ट ब्लॉक कर दिया, तो एसटीपी कहेगा ओके थैंक यू सो मच, मैं तो अपना काम कर रहा था, लेकिन मेरे काम से अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है और आप कोई नया प्रोटोकॉल लेकर आना चाह रहे हो, उन दोनों पोर्ट्स को लॉजिकली तौर पर एक पोर्ट शो करवाना चाहते हैं, तो यू कैन डू योर जॉब। तो वो प्रोटोकॉल आएगा और वो प्रोटोकॉल क्या करेगा, वो प्रोटोकॉल कहेगा कि भाई ये जो दो लिंक्स हमारे पास आ रहे हैं, लेट मी क्लियर इट, कि जी अब ये जो दो पोर्ट्स आई हैं हमारे पास, अब हालांकि आपको फिजिकली जब हम इसकी लैब भी परफॉर्म करेंगे तो हम दो वायर लेंगे, ईथरनेट के वायर्स होंगे हमारे पास, या फोर वायर्स होंगे, वो कनेक्टेड तो अलग अलग पोर्ट्स होंगे, लेकिन लॉजिकली तौर पर स्विच में ऑपरेटिंग सिस्टम, जो स्विच का आईओएस होगा, इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, उसको हम बताएंगे कि भाई ये चारों की चारों पोर्ट्स, ये दो की दो पोर्ट्स एक हैं, ठीक है ना, यानी ये दो जिस्म एक जान हैं, ठीक है ना। अब क्या होगा कि वो लॉजिकली तौर पर, अब सिस्को जो स्विच है ना ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो बाहर निकल के नहीं देखेगा कि यार दो पोर्ट्स कनेक्टेड है, वो कहेगा ठीक है भाई आप मुझे बता रहे हैं कि ये दो पोर्ट नहीं ये एक पोर्ट है, वो आपकी बात मान लेगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट, अब यहां पर हमने ये दो पोर्ट्स क्या कर दी, ज्वाइन कर दी। अब वो पोर्ट यहां पर अगर हम इनसाइड द स्विच जाकर देखेंगे, तो इनसाइड द स्विच वो हमारे पास एक पोर्ट नजर आएगी। और ये सिर्फ हम दो पोर्ट्स के साथ नहीं कर सकते, ये हम चार पोर्ट्स के साथ भी कर सकते हैं, और ये हम छह पोर्ट्स के साथ भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पर कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कितनी पोर्ट्स की एग्रीगेशन को सपोर्ट करता है। तो ये कॉन्सेप्ट, अब जो वो धुंधली तस्वीर थी रिगार्डिंग द एग्रीगेशन, वो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। यानी आप दो चार छह पोर्ट्स को लॉजिकली तौर पर बैक एंड में आईओएस के अंदर डिफाइन कर देते हैं। तो इससे अब पहले जो ऊपर वाला लेयर 3 स्विच था, अब ये देखें ये वाला जो स्विच है, अगर यहां एक पोर्ट कनेक्टेड थी, ठीक है ना, अब ये एक पोर्ट जो है 1 गीगा की थी, ठीक है जी, ये 1 गीगा की पोर्ट थी। अगर मैं इनको लॉजिकली कंबाइन कर दूंगा तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 2 गीगा का कनेक्शन बन जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो हमारे पास स्विचिंग एनवायरनमेंट के अंदर परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। तो अब थोड़ा सा हम जो बात हमने प्रीवियस कही थी, अब उसको एनहेंस करते हैं कि सिर्फ सर्वर्स के साथ डेटा की सेंडिंग और रिसीविंग की परफॉर्मेंस हम इंप्रूव नहीं कर सकते, बल्कि अगर डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट कनेक्टिविटी चाह रहे हैं, तो वहां पर भी एक डिपार्टमेंट में 100 यूजर बैठा हुआ है, दूसरे डिपार्टमेंट में भी 200 यूजर बैठा हुआ, अब इनकी आपस में डेटा की सेंडिंग और रिसीविंग हो रही है, तो यहां पर भी आपको तगड़ी परफॉर्मेंस चाहिए होगी, तो उसके लिए भी हम नंबर ऑफ पोर्ट्स को एग्रीगेट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली तौर पर उसका मेन आइडिया था, कोर आइडिया था, जिसको हमने आगे फॉलो करना